का दोस्त है। अरे ये लड़का, जब हम बहुत छोटे थे तो ये मुझसे बहुत दूर चला गया था, लेकिन मुझे यकीन है कि ये एक दिन जरूर वापस आएगा। तुम्हें पता है, इससे अच्छा दोस्त मुझे आज तक नहीं मिला नोबिता। वीडियो में आगे जाने से पहले हम पिछले चीज़ों को कुछ रिकैप कर लेते हैं। हमने देखा था पिछले पार्ट में कि मित्सो मर चुका होता है, लेकिन जैसे सबको पता चलता है कि मित्सो जिंदा है तो मित्सो के ऊपर तुरंत ट्रीटमेंट शुरू की जाती है, लेकिन उस दौरान मित्सो की याददाश्त चली जाती है और मित्सो को कुछ भी याद नहीं होता कि वो कौन है और क्या कर रहा है। जब मित्सो बेहोश होता है तो आयनो कुन उसे लेता है और अर्थ पर छोड़ देता है। यही दूसरी तरफ सुमेरे बहुत ही ज़्यादा और वो रियलिटी को एक्सेप्ट नहीं कर पा रही होती कि मित्सो मर चुका है। तो चलो देखते हैं मित्सो सुमेरे आखिर मिलेंगे कैसे, जबकि मित्सो अर्थ पे है और सुमेरे को ये पता भी नहीं कि मित्सो जिंदा है। मित्सो की मौत की खबर आई हुई लगभग 2 हफ्ते बीत चुके होते हैं और इन 2 हफ्तों में बहुत कुछ बदल चुका होता है और सुमेरे के लाइफ में बहुत कुछ चेंज भी हो चुका होता है, लेकिन सुमेरे कहीं ना कहीं अपने पास्ट में फंस चुकी होती है। वो इस बात को मानने के लिए तैयार ही नहीं थी कि मित्सो मर चुका है और वो कभी वापस नहीं आएगा। सुमेर को अभी भी ऐसा लग रहा होता है कि मित्सो जिंदा है और वो कभी ना कभी वापस आएगा, जिस वजह से मित्सो के मॉम डैड और सुमेरे के मॉम डैड दोनों ही परेशान होते हैं सुमेरे का ये बर्ताव देख के, क्योंकि अभी सबको पता चल चुका होता है मित्सो ही परमैन था और वो 10 साल या 11 साल बर्ड पैड पे रहा लोगों को बचाने के लिए और वो लड़ाई में मारा गया। तभी उन लोग कुछ सोचते हैं कि सुमेरे को कैसे न कैसे कन्विंस करें शादी के लिए। हम देखते हैं सुमेरे आज रेडी हो रही होती है क्योंकि आज उसकी एक फिल्म की शूटिंग होती है जो उसके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सुमेरे रेडी होने के बाद अपना लंच करती है और वो जाने लगती है, तभी उसके दरवाजे पे 2 लोग आते हैं। वो और कोई नहीं मित्सो का रोबोट और यूकी होती है। अभी सबको पता होगा कि मित्सो के रोबोट और यूकी की मैरिज हो चुका है और उनके एक चाइल्ड भी है। तभी मित्सो और यूकी को सुमेरे अंदर बुलाती है और उन्हें बैठने के लिए कहती है। मित्सो का रोबोट सुमेरे से कहता है सुमेरे वो मिला कि नहीं मिला। सुमेरे कहती नहीं वो अभी तक नहीं मिला, हमें उसके बारे में अभी तक कोई खबर ही नहीं मिली। पायन उसे ढूंढ रहा है, जैसे उसके बारे में कुछ पता चलता है मैं तुम्हें बता दूंगी। मित्सो का रोबोट सुमेरे से कहता है सुमेरे अब मित्सो नहीं रहा, उसकी मौत की खबर भी आ गई जिसके लिए तुम इतने साल से इंतजार कर रही थी, तुम्हें अब पता चल गया वो कभी वापस नहीं आने वाला। तो अब क्या, अब तुम क्या करोगी, तुम्हें आगे तो बढ़ना ही पड़ेगा ना। सुमेरे कहती है तुम कहना क्या चाहते हो। मित्सो कहता है हम सभी लोगों ने सोचा कि तुम्हें शादी कर लेनी चाहिए अब। सुमेरे कहती है ऐसा कभी भी नहीं होगा। मित्सो का रोबोट ये सुनने के बाद सुमेरे के ऊपर बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो जाता है। वो कहता है तुम खुद को समझती क्या हो, हम सब तुम्हारे लिए फिक्र कर रहे हैं क्योंकि तुम अपने आप को हमेशा बंद कमरे में बंद रखती हो, तुम पास्ट में घिर चुकी हो, तुम बस अपनी पुरानी यादों से जिंदा हो, तुम्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तुम्हारी फैमिली, तुम्हारे दोस्त, तुम्हारे परिवार वाले तुम्हारे लिए परेशान हैं और तुम बस उस इंसान को याद करके रोती रहती हो जो तुम्हारे साथ भी नहीं है अब। सुमेरे जो जिंदा है उनकी कदर करो। सुमेरे मित्सो के रोबोट को कहती है तुम सही कह रहे हो रोबोट, लेकिन मैंने अपनी किस्मत चुन ली है और मैं उसी किस्मत पर चलूँगी जिसमें मित्सो नहीं वो मेरी ज़िंदगी नहीं। मित्सो ने मुझे जीना सिखाया था, जब मेरे पास कोई नहीं था वही था जिससे मैं बातें करती थी, मेरा पूरा बचपन उसी की यादों में गया है और मेरी पूरी लाइफ भी जाएगी। और ये कहकर सुमेरे वहाँ से चली जाती है। फिर पीछे से हम मित्सो और यूकी को देखते हैं जो दोनों बहुत ही खुश लग रहे होते हैं। उन्हें यह सुन के अच्छा लगता है जो सुमेरे ने कहा, क्योंकि वो दोनों भी नहीं चाहते थे कि उन दोनों के बीच में कोई आए। तभी मित्सो पीछे मुड़ के सुमेरे के मॉम डैड को कहता है देखा आपने, सुमेरे कभी मित्सो को नहीं भूल सकती, मुझे माफ़ करना मैं भी फेल हो गया। फिर वहाँ से कैमरा कट होता है और हम बर्थ पैंट का सीन देखते हैं जहाँ पे बहुत से लोग परेशान होते हैं। जिन लोगों को भी पता होता है कि मित्सो जिंदा था और उसकी याददाश्त चली गई थी वो सभी परेशान होते हैं और मित्सो को ढूंढ रहे होते हैं, क्योंकि आयनो कुन ने किसी को भी नहीं बताया होता है कि उसने मित्सो को अर्थ पर छोड़ दिया, जिस वजह से बहुत लोग उसे ढूंढ रहे होते हैं। लेकिन चीफ वो अभी थोड़ा डरा हुआ होता है क्योंकि उन्हें पता है कि अगर मित्सो की याददाश्त वापस आ गई तो उनका रात सबके सामने आ जाएगा और उनका सपना सपना ही रह जाएगा जो उन्होंने देखा हुआ होता है। तभी वहाँ पे आयनो कुन आता है और कहता है चीफ मैं जानता हूँ मित्सो कहाँ पे है। चीफ तभी गुस्से में आयनो कुन से कहता है कहाँ पे है। आयनो कुन चीफ से कहता है कि आप इतने गुस्से में क्यों है चीफ, कुछ हुआ है क्या। चीफ कहते नहीं मैं बस टेंशन में हूँ, मित्सो कहाँ पे होगा उसे तो ये भी याद नहीं कि वो कौन है। तभी आयनो कुन कहता है मैंने मित्सो को हाथ पे छोड़ दिया है, अब वो जहाँ पे भी है सेफ है,
शिव कहते हैं तुमने उसे अर्थ पे क्यों छोड़ दिया। एनाकुन कहता है मुझे लगता है मित्सुओ के लिए अर्थ से ज़्यादा शिव जगह कोई और हो ही नहीं सकती। हम सभी को पता है बर्ड पैड पे कोई है जो मित्सुओ को मारना चाहता है और ये बहुत ही बुरी बात है हम सभी के लिए, क्योंकि मित्सुओ ही है जो हम सभी को बचा सकता है। हमें बस उस दिन का वेट करना है जिस दिन मित्सुओ की यादाश्त वापस आ जाए। चीफ कहते तो तुमने किसी को बताया कि मित्सुओ अर्थ पे है और जिंदा है। एनाकुन कहता है नहीं मैंने किसी को नहीं बताया और ये बात बर्ड पैड को भी नहीं पता है। चीफ कहते हैं ये बात मैं बर्डमैन को खुद बताऊंगा जब समय आएगा, और वहां से चले जाते। तभी एनाकुन पीछे से स्माइल करता है और कहता है अब प्लान का सेकेंड पार्ट शुरू होता है। पता नहीं ये मित्सुओ करना क्या चाहता है लेकिन इसमें अब मज़ा आ रहा है। जो लोग परेशान हो रहे हैं और जो दुश्मन परेशान हो रहे हैं ये सब देखने के बाद तो मैं बहुत ही ज़्यादा खुश हूँ। मित्सुओ तू कमाल का है यार, क्या प्लान बनाया है, सब कुछ तेरे प्लान के अकॉर्डिंग ही चल रहा है। फिर वहाँ से कैमरा कट होता है और हम अर्थ की तरफ देखते हैं। अर्थ पर भी शाम हो चुकी होती है और सुमेरे की शूटिंग भी ख़त्म होने वाली होती है। सुमेरे की शूटिंग जैसे ही ख़त्म होती है सुमेरे के सामने कोई आता है और कहता है कि हम थोड़ी देर के लिए बात कर सकते हैं। सुमेरे कहते हैं क्यों नहीं। फिर हम देखते हैं वो दोनों जाते हैं और एक जगह पे बैठ जाते हैं। सुमेरे कहती है पायन वो मिला कि नहीं। पायन कहता है मैंने बूवी को बहुत जगह ढूंढा पर वो कहीं भी नहीं मिला, मुझे उसका कुछ पता ही नहीं चल रहा। जब से मित्सुओ की मौत की खबर आई वो गायब ही हो गया। सुमेरे कहती है उस पर मित्सुओ की मौत का बहुत गहरा असर हुआ है। पायन कहता है ये सब कब तक चलता रहेगा, हम लोग जैसे बट गए, मित्सुओ का रोबोट हमसे बात ही नहीं करता और तुम जैसे पास में फंस के रह गई हो। सुमेरे कहती है मुझे नहीं पता ये सब क्या हो रहा है पर इतना ज़रूर जानती हूँ ये सब जल्दी ठीक हो जाएगा। फायन कहता है आखिरकार उसने अपना वादा नहीं निभाया, वो हम सभी से कह के गया था कि वो एक दिन वापस ज़रूर आएगा। सुमेरे कहती है लेकिन तुम्हें ऐसा नहीं कहना चाहिए क्योंकि उसने अपना वादा भले ही नहीं निभाया लेकिन हमें उस पर गर्व होना चाहिए, उसने पूरी दुनिया को बचाया है, हम सभी को बचाया। पायन कहता है मुझे ऐसा नहीं लगता, मेरे ख्याल से मित्सुओ को जिंदा होना चाहिए था और बाकी सबको मर जाना चाहिए था क्योंकि ये दुनिया वैसी नहीं है जैसा मित्सुओ सोचता था, उनको कोई फ़र्क भी नहीं पड़ा पर मैं मर गया, देख रहे हो सब अपनी लाइफ में बिजी हो गए। मेरे कहती है पर ये तो अच्छी बात है ना, सभी लोग मित्सुओ के बारे में भूल जाए वही अच्छा होगा। पायन सुमेरे से कहता है तुम सबको कह रही हो मित्सुओ को भूलने के लिए लेकिन क्या तुम ही मित्सुओ को भूल पा रही हो। सुमेरे कहती नहीं लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम सब अपनी लाइफ में अपने कामों को ना करें। पायन तुम एक बहुत बड़े बिजनेसमैन हो, अपने काम पर ध्यान दो और मुझे भी अपने करियर पर ध्यान देना है। हम सभी के लाइफ में भी बहुत कुछ चल रहा है लेकिन इसका मतलब ये नहीं हम जीना भूल जाए। पायन उठता है और कहता है मैं अभी भी कहूँगा और बार बार कहूँगा मेरे ख्याल से मित्सुओ वो नहीं था जिसे मरना था, मेरे ख्याल से वो लोग थे जिनकी वजह से मित्सुओ मरा, उन सभी को मर जाना चाहिए था। मेरे कहती है तुम्हें ऐसा नहीं कहना चाहिए पायन, मित्सुओ ने जो किया सही किया और हमें उस पर गर्व होना चाहिए। पायन कहता है तुम करो उस पर गर्व, मेरे लिए तो वो हमेशा धोखेबाज ही रहेगा, और वहाँ से पायन चला जाता है। फिर हम देखते हैं सुमेरे ये सारी बातें सुनने के बाद पायन के मुझसे वो बहुत ही ज़्यादा इमोशनल हो चुकी होती है और वो रोने लगी होती है। आखिर वो जैसी भी है तो एक गर्ली ना, वो खुद को कितना संभाल सकती है। तभी वहाँ पे उसके मैनेजर आती है और कहती है मैम हमारे चलने का वक्त हो गया। सुमेरे कहती है तुम जाओ मैं वॉक करते हुए आऊँगी, और हम देखते हैं सुमेरे वहाँ से चली जाती है और वॉक करते हुए अपने घर पर जा रही होती है। हम देखते हैं जब सुमेरे वॉक कर रही होती है तो उसे बहुत सी आवाज़ें सुनाई दे रही होती है, वो सारी आवाज़ें उसकी बचपन की यादें होती है। उसे ऐसा लग रहा होता है कि वो अभी भी मित्सुओ के साथ खेल रही है किसी जगह पे, किसी पार्क में। वो जाते वक्त उन यादों को याद कर रही होती है और उसके आँख में आंसू होते हैं और वो रो भी रही होती है। भले ही लोग उसे देख रहे होते हैं पर उसे कोई फर्क नहीं पड़ रहा होता है, वो धीरे धीरे जा रही होती है आगे। फिर हम देखते हैं सुमेरे किसी को सामने से आते वक्त देखती है तो उसे लगता है कि सामने से मित्सुओ ही आ रहा है। सुमेरे ये देखने के बाद बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाती है और बहुत ही ज़्यादा कूदने लगती है रोड पे ही। उसे लगता है कि मित्सुओ जिंदा है और उससे मिलने आ रहा है, लेकिन जैसे जैसे वो इंसान उसके करीब आता है और उसके बाजू से गुजर जाता है तो उसे एहसास तो होता है कि मित्सुओ उसके बाजू से गुजरा है लेकिन वो मित्सुओ नहीं होता। सुमेरे पीछे मुड़ के देखती है तो उसकी अपीयरेंस बराबर मित्सुओ जैसी होती है, उसके चलने का तरीका, उसके बात करने का तरीका सब सेम होता है। एक्चुअली में वो किसी से फ़ोन पे बात कर रहा होता है,
सुमेरु उसे बुलाने की कोशिश करती है पर उसमें हिम्मत नहीं होती। उसे लगता है कि मित्सुओ बस उसका वहम था और फिर बाद में सुमेरु वहाँ से आगे जाने लगती है। तभी हम देखते हैं वो इंसान को जूम करके तो वो और कोई नहीं होता, वो मित्सुओ ही होता है जो बहुत ही बदल चुका होता है। उसे एक नौकरी चाहिए होती है और किसी से फ़ोन पर बात कर रहा होता है कि उसे जॉब कल मिल जाएगी। और हम देखते हैं मित्सुओ को एक जॉब एक कंपनी में मिलती है जो बहुत ही बड़ी कंपनी है और बहुत ही नामी कंपनी है। फिर हम देखते हैं मित्सुओ जॉब के लिए कल ही जाने वाला होता है। और फिर हम देखते हैं सुमेरु को जिसको एक फ़ोन आता है और उसके मैनेजर ने फ़ोन किया होता है। सुमेरु मैनेजर से पूछती है क्या वो मैनेजर तुमने अभी क्यों फ़ोन किया। मैनेजर कहती है मैम मैंने किसी नए बंदे को हायर किया है जो हमारा सारा काम करेगा। सुमेरु कहती है पर किसको तुमने हायर किया है। सुमेरु की मैनेजर कहती है मैम वो कल आ रहा है तो आप उसका इंटरव्यू ले सकती है। सुमेरु यही कह के कि ठीक है अब फ़ोन रख देती है। फिर हम देखते हैं सुमेरु कहती है ये नया बंदा कौन है जिसके लिए मैनेजर इतनी ज़्यादा एक्साइटेड है। फिर हम देखते हैं सुमेरु अपने घर की तरफ निकल जाती है। तो गाइज ये इस मैरिज सीरीज का लास्ट सेकेंड पार्ट था। जो अगला पार्ट होगा वो लास्ट पार्ट होगा। इसमें हम क्या ही कर सकते हैं क्योंकि इस कहानी बहुत ही ज़्यादा छोटी है। हम पास्ट को देख रहे हैं जिसमें सुमेरु और मित्सुओ की मैरिज हुई होती है। तो दोनों कैसे मिले होते हैं, सुमेरु को कैसे पता चला होता है, ये हम लास्ट पार्ट में जानेंगे। और लास्ट पार्ट इससे बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। मुझे पता है कि इस पार्ट में थोड़ी सी बोरियत हुई होगी तुम्हें। चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक करना भूलना मत। टेक केयर एंड बाय बाय।